हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद कुछ अच्छे हेल्थ में होगी और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो हमें उस दिन का वीडियो दिखाया जा रहा है जिस दिन समर की मम्मी राधिका को मना रही थी और कह रही थी कि मैं अब गुनगुन को इस घर में लेके आऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और वहाँ पे अंकित आ जाता है और अंकित आके बोलता है कि मुझे गुनगुन का फोन आया था और गुनगुन के पेट में है दर्द। तो उस दिन का वीडियो हमें आज दिखाया जा रहा है, बताओ। तो एनीवेज, उस वीडियो के बेसिस में मैं एक चीज़ समर की मम्मी से बोलना चाहूँगी कि सठिया तो गए हो आप, आपको तो इस उम्र में ये सब करना तो शोभा देता नहीं है। राम नाम जपो बैठ के, वो तो आपसे होता नहीं है। तो आप एक काम करो, गुनगुन को लेके गांव चली जाओ, वारिस की चिंता दूर हो जाएगी। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो, गुनगुन के मायके ले जाओ भाई गुनगुन को, वहाँ पे आप भी रहो और गुनगुन की सेवा जतन भी हो जाएगी, आपका वारिस भी सही सलामत रहेगा, है कि नहीं आंटी जी? अरे इतना क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? आप तो गुनगुन को समर के घर ले जा रहे हो, वहाँ राधिका के साथ उसको छोड़ दोगे। राधिका काम वाली की तरह उसको खिलाती पिलाती रहेगी और वो वहाँ लेट लेट के ऑर्डर फरमाती रहेगी। और आपका क्या है, आप तो गाँव चले जाओगे और गाँव से फिर वापस आओगे, उनको लड़ते झगड़ते उनका फिर से आगे बढ़ेगा सीन, और आप यहाँ बोलोगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो उससे अच्छा आपको अपनी वारिस की चिंता इतनी ज़्यादा है तो आप उसको लेके गांव चले जाओ, सबसे बेस्ट आइडिया। और अगर गांव भी नहीं जाना है तो समर, अरे समर नहीं, गुनगुन के मायके चले जाओ। उसका भाई तो ऐसे ही निठल्ला, वो किस तरफ क्या बोलेगा उसको खुद नहीं मालूम। गुनगुन का पक्ष उसको लेना है, क्या करना है उसको तो खुद ही समझ में नहीं आता है, वो बस आ जाता है और गप 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 करता रहता है। तो इसीलिए आपको समर की मम्मी बोल रही हूँ, यही आपके पास बेस्ट आइडिया है, कि आपके पास इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और वो गुनगुन, वो तो इतनी बड़ी इडियट लड़की है, उससे वाली इडियट लड़की मैंने देखा ही नहीं। तुम ऐसी घटिया लड़की हो जो तुमको ध्रुव के घर में तुमको अच्छे से रख रहा है, वो भी तुमको राज नहीं आ रहा है। तुमको क्या है, तुमको समर के पास ही रहना है। यहाँ तुम खुद ही अपने मुँह से बोल रही हो कि समर भी शायद मुझे रखना नहीं चाहता, मगर तुम हो उन बेशर्मों में से जो तुमको रखना नहीं भी चाहे, वो उसके पास तुम जबरदस्ती गले पड़ के रहोगी। हाय कितनी बेशरम हो गुनगुन, तुमको इतनी बेशर्मी है तुम लाती कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता। तो देखते हैं फ्रेंड्स, गुनगुन अब समर के घर में जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में, पूरे धरती पे यही एक प्रेग्नेंट औरत हुई है, और तो कोई प्रेग्नेंट था ही नहीं। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।